हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश का सीज़न चल रहा है तो पकोड़े तो बनते ही हैं, तो क्यों ना हम कुछ हेल्दी और टेस्टी पकोड़े बनाएं। तो मैंने आज लौकी के पकोड़े बनाए हैं। और मैंने इसमें प्याज भी मिक्स किया है, जिससे बच्चे जान नहीं पाएंगे कि ये लौकी के पकोड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। के पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक आधा किलो की लौकी ली है और चार प्याज लिए हैं। लौकी को कद्दूकस कर लिया है, इसको हम बड़े बाउल में कर लेंगे। अदरक है एक इंच का टुकड़ा, चार हरी मिर्च और हरी धनिया इसको काट लिया है, चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक एक चम्मच, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिए, चावल का आटा दो चम्मच, बेसन। हम इसको मिक्स करेंगे तो जितना हमको ज़रूरत पड़ेगी उतना हम बेसन डालेंगे। गरम मसाला आधा चम्मच, बेसन मैंने इसमें पूरा एक बाउल डाल दिया है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, अब हम इसको चम्मच से या हाथ से किसी भी तरह से आपको डालना हो वैसे डाल दीजिए। और इसको हम गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे टोमेटो सॉस, मेयोनीज या फिर ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करिए, बारिश में गरम गरम चाय के साथ में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।